सामने सब लोग, ये जो आप के सामने जो जीप खड़ी है ये है हमर। अब हमर आपने मोस्ट पब्लिक पाकिस्तान में देखी होगी, तो वो ज़्यादातर जो हैं H2s होती हैं। ये वाली जो है वो 80s का मॉडल है, इसका नाम है H1, क्योंकि इससे पहले आई थी। अच्छा, मुझे इसका इंजन याद नहीं कैसा है, शायद 6000 cc तो होगा, मगर मैं वीडियो इसकी इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको इसका साइज़ का अंदाज़ा दिखाना चाहता हूँ। ये जो है ट्रक के जितनी बराबर है चौड़ाई में, बहुत चौड़ी है। नॉर्मल कैमरा के साथ अगर आप देखें तो बहुत छोटी लगती है, तकरीबन 1.5 गुना या 1.25 गुना से ज़्यादा चौड़ी है। और आगे के जो फ्रंट सीट्स हैं वो भी एक तरफ ड्राइवर बैठता है, कोने पे एक तरफ पैसेंजर बैठता है। तो अगर दो मियाँ बीवी हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो उन लोग के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें जो है 4 दरवाज़ों वाला मॉडल ये वाला है और इसमें शायद पीछे डिग्गी है, तो इस तरह पीछे कवर्ड भी आती है जैसे H2 नॉर्मली होती है या जो भी फोर व्हील ड्राइव होती है जैसे लैंड क्रूजर है, या इसमें टू डोर पिकअप भी आती है सेम मॉडल। मगर इसमें हाँ, ये व्हील्स जो लगे हुए ये मॉडिफाई हुए हैं, तो इसके ओरिजिनल नहीं है, मगर ये गाड़ी इसी हाइट पर होती है, बल्कि शायद मुझे लग रहा है ये सॉरी मॉडिफाइड हुई हुई है, उठाई हुई है, मगर फिर भी ये गाड़ी बहुत बड़ी है, बहुत चौड़ी है नॉर्मल गाड़ियों से। अच्छा, ये हमारे जो है पहले बनती थी मिलिट्री के लिए, तो जब उन जंगें ख़त्म हुई तो उनके पास पार्ट्स बचे हुए थे, तो उन्होंने ये नॉर्मल लोगों के लिए भी बनाना शुरू कर दी मार्केट के लिए। तो हाँ, ये फ्यूल बहुत ज़्यादा पीती है और ये अब बहुत कम नज़र आती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि नॉर्मल H1 जो है वो सॉरी नॉर्मल H1 जो है वो हमारे H2 से काफ़ी चौड़ी है और लेंथ में भी बड़ी है। जो H2 है वो ज़्यादा फैमिली के लिए बनी है, वो ऑफ रोडिंग के लिए भी बनी, ये जो है ज़्यादा ऑफ रोडिंग के लिए, कंफर्ट इसमें कम है। साइज़ का इतना ड्रॉना सा है कि मुझे इसलिए इसकी वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि ये बहुत कम नज़र आती है अब गाड़ी। अच्छा, ये जो लॉक का नज़ारा है, ये इसका इंजन का कवर खुलता है, इंजन कवर आगे की तरफ खुलता है इसका, जो नॉर्मल गाड़ियों का जो है वो ऊपर की तरफ उठता है वो नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हैं, तो मेरे चैनल पर देखते रहिएगा।